गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। तो हम देखते हैं अपना टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उत्सर्जन तंत्र। विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, विषैले पदार्थ है वो कहाँ से बने हैं, वो सारे हम सिस्टम देखेंगे भी क्या क्या सिस्टम इसके अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा जो देखते हैं जो उत्सर्जन तंत्र है, तो ये मेनली हम देखें, यहां से क्वेश्चन है आपको, हर एक परीक्षा में यदि वो दो तीन शिफ्ट में परीक्षा ली जा रही है तो उसके अंदर पक्का मिल जाएगा, इसके अंदर से क्वेश्चन पक्का मिल जाता है इसे, उत्सर्जन तंत्र से। एक तो उत्सर्जन तंत्र, एक परिसंचरण तंत्र। ठीक है, वैसे तो मुझे देखते हैं तो परिसंचरण तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, ग्रंथी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वहां से क्वेश्चन है वो छोड़ता नहीं एग्जामिनर, वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र में हम देखें, उत्सर्जन तंत्र में हम देखें एक्सक्रेटरी सिस्टम में, एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र में मुख्य अंग मानव का कौन सा है और अन्य जीवों का कौन सा होता है, वो भी क्वेश्चन हमको देखना है। ठीक है, और इससे होने वाले रोगों में भी हमने देखना है कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, जैसे यूरेमिया है, यूरेथेमिया है, ये सारे रोग भी इसी में होते हैं। जैसे ग्लाइकोयूरिया है तो ये इसी से होता है, हिमेचूरिया है इसी से होता है, प्रोटोनूरिया है इसी से जुड़ा है, डिस्यूरिया है इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये सारे पोलीयूरिया है इसी से जुड़ा, यूरेमिया इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सारे के सारे रोग हमारे कहीं ना कहीं इसी से, पथरी है वो उत्सर्जन तंत्र से ही जुड़ा हुआ है, मतलब ये सारे रोग हमारे किससे जुड़े हैं, उत्सर्जन तंत्र से ही जुड़े हुए हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं तो क्या होता है, पहले तो हमको ये भी जानना है कि उत्सर्जन है क्या, ये भी जानना है कि उत्सर्जन है, तो बताओ मास्टर जी क्या है, तब हम इसके बारे में हम जानेंगे। एक्सक्रिएशन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक्सक्रिएशन की बात करते हैं। एक्सक्रिएशन की हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया ही क्या है, हमारा उत्सर्जन तंत्र। विषैले पदार्थ कौन से है, विषैले पदार्थ कौन से होते हैं हमारे शरीर में, नाइट्रोजन युक्त, सबसे विषैले कौन से होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ ही हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त। नाइट्रोजन यूरिया है वो, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ये अपशिष्ट पदार्थ क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है वेस्ट मेटेरियल, क्या है, वेस्ट मेटेरियल, वेस्ट मेटेरियल है मानव के अंदर, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, वेस्ट मेटेरियल के प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रिएशन कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद में कि इसके अंदर हम देखें मानव के अंदर सबसे उत्सर्जी अंग कौन सा है और उत्सर्जन के आधार पर जीवों का क्या वर्गीकरण किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो हम देखेंगे उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण की हम बात करें तो सबसे जो उत्सर्जन के आधार पर हम देखें तो सबसे नंबर वन पर बात आती है जो अमोनिया छोड़ने वाले जीव है, फिर उसके बाद में यूरिया छोड़ने वाले जीव है, फिर उसके बाद में यूरिक अम्ल छोड़ने वाले जीव है। तो जीवों के आधार पर हम बात करें तो तीन प्रकार के जीव होते हैं, कितने प्रकार के जीव है,
तो मैं एक बार रफली लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो फिर अगले उसे टॉपिक शुरू कर लेते हैं। एक तो होता है हमारा अमोनियोटैलिक जीव। क्या होता है? अमोनियोटैलिक, हिंदी इंग्लिश में साथ में आगे लिख लेंगे, अमोनियोटैलिक है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कौन किसकी, यूरियोटैलिक की। किसकी बात करेंगे? यूरियोटैलिक की। तीसरे नंबर पर किसकी बात करेंगे? यूरिकोटैलिक की। तीसरे नंबर पर किसकी बात करेंगे? यूरिकोटैलिक की बात करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पर, यूरिकोटैलिक की बात करेंगे। तो हम देखते हैं, तो यहां पर पहले नंबर पर अमोनियोटैलिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अमोनियोटैलिक की। पहले नंबर पर हम बात करेंगे अमोनियोटैलिक। क्या है अमोनियोटैलिक जीव? अमोनियोटैलिक जीव वो होते हैं जो मुख्य रूप से क्या छोड़ते हैं? अमोनिया छोड़ते हैं। विषैले पदार्थ क्या छोड़ेंगे? अमोनिया छोड़ेंगे। और अमोनिया हम देखें यूरिया में से, देखें यूरिक अम्ल में से देखें, तो सबसे विषैला क्या होता है? अमोनिया होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियोटैलिक जीव। देखो जीव है ये सभी के सभी, ये भगवान के पास में गए होंगे कभी, तो भगवान ने इनसे पूछा होगा कि कहां रहते हो। कहा कि मैं तो जीव आए, कहा कि हम तो पानी में रहते हैं। कहा कि पानी में रहते हो आप? कहा कि फिर तुम छोड़ो अमोनिया। ठीक है, पानी में रहते हो तो अमोनिया छोड़ो, पानी में कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया पानी में घुल जाता है तो उसमें से बदबू चली जाती है, वरना तो हमारे मूत्र में से जो बदबू आती है वो अमोनिया की वजह से आती है। इसलिए ये बोला जाता है कि जब पेशाब करके आओ, मूत्र का विसर्जन करके आओ, तब पानी डाल दिया करो। तो इसका मतलब क्या है कि मूत्र के उत्सर्जन में के समय पर अमोनिया कुछ मात्रा में निकलता है, उसी के कारण बदबू आती है। ठीक है, पसीने में भी बदबू है, कुछ मात्रा में अमोनिया निकलने तो उसमें से भी बदबू आती है। तो हम देखते हैं जो अमोनिया है इसको पानी की आवश्यकता रहती है। और जितनी भी बोन्स फिशीज है, जो जिसके अंदर हड्डियां होती है जिन मछलियों के अंदर, वो सारी मछलियां हैं वो अमोनिया छोड़ती है। लार्वा जितने हैं, जितने लार्वा बनते हैं जिन भी जीवों के, वो भी सारे अमोनिया छोड़ते हैं। ठीक है, किसी मछली का भी लार्वा बनता है, मेंढक का भी, मेंढक का लार्वा वो भी क्या छोड़ेगा? अमोनिया छोड़ेगा। जलीय कीट जितने भी होंगे वो सारा अमोनिया छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे अमोनियोटैलिक। और यूरियोटैलिक है वो, यूरियोटैलिक वो क्या छोड़ेंगे? यूरिया छोड़ेंगे। भगवान ने ये कहा कि आप स्थल पर रहो और पानी, यूरिया को पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और यह अमोनिया से कम विषैला है। यूरिया है अमोनिया से कम विषैला, विषैला तो है लेकिन अमोनिया से कम विषैला है, तो इसलिए हम बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा विषैला अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक अम्ल। तो हम देखते हैं पहले नंबर पर अमोनिया, अमोनियोटैलिक जीव, अमोनियोटैलिक एनिमल्स, ऐसे हेडिंग डाल देते हैं, अमोनियोटैलिक एनिमल्स, एनिमल्स अमोनियोटैलिक जीव, वे जीव जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, मेन एक्सक्रेटरी सब्सटेंस उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया हो, यह ज्यादा विषैला होता है, विषाक्त लिख देता हूं मैं, विषैला मतलब बहुत ही डेंजरस है, यह ज्यादा विषाक्त होता है, इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें अस्थिल हड्डी, अस्थिल हड्डी कौन सी है? अस्थिल मछली कौन सी है? जो बोनिक फिश बोल देते हैं। ठीक है, तो अस्थिल मछली जिसके पास में हड्डी होती है। ठीक है, मैं लार्वा जितने भी होंगे, लार्वा प्यूपा बनता है ना जैसे, तो मेंढक में लार्वा बनता है, मछलियों में लार्वा बनता है, तो मेंढक का लार्वा
का लार्वा। और फिर उसके बाद में हम देखें तो एक मैंने बताया था आपको जलीय कीट, जल में रहने वाले जितने भी कीट हैं। तो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, मैंने बताया था दूसरे नंबर पर है हमारा यूरियोटैलिक। कौन सा है? यूरियोटैलिक। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था जितने भी यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? यूरियोटैलिक जीव कहलाएंगे। सीधी सी बात है, और कोई इसमें घुमाने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस इसमें सीधा लिखूंगा मैं, इसमें समझाने वाली और घुमाने वाली कुछ भी बात नहीं है। वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ, वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ, जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिया है। यूरिया है, यह अमोनिया से कम विषाक्त है, यह अमोनिया से कम विषाक्त है, से कम विषाक्त है। कम विषाक्त है, इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, होती है लेकिन कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। तो मानो क्या छोड़ता है? यूरिक अम्ल या यूरिया, अमोनिया नहीं छोड़ता, यह इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो मानो इसका उदाहरण है। ठीक है, मानो देखोगे आप, बंदर देखोगे, तो ये सारे जीव है वो जितने भी है हमारे के क्या छोड़ते हैं? यूरियोटैलिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? यूरियोटैलिक जीव होते हैं। ठीक है, तो मानो हो गया, मेंढक हो गया, और स्तनधारी जितने भी जीव है वो सारे क्या है? मुख्य रूप से मेंढक का लार्वा अलग है, मेंढक अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे स्तनधारी जीव सीधा लिख देता हूं, स्तनधारी जीव और मानो, और ये बात ध्यान रखना, स्तनधारी जीव और जो समुद्री मछलियां जिनके अंदर हड्डी, जिसके अंदर हड्डी होती है वो तो छोड़ती है हमारी अमोनिया, और जितनी भी मछलियां समुद्री मछलियां जिनके अंदर हड्डी नहीं है समुद्री मछलियां, वो यूरिया। ठीक है, समुद्री मछलियां, अस्थिल बोन जो डिया है वो हमारी क्या है? वो अमोनिया छोड़ती है, और एक मेंढक ये यूरिया छोड़ती है। फिर उसके बाद में अगला देखें, तीसरे नंबर पर देखो, तीसरे नंबर पर है यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। कौन सा है? यूरिकोटैलिक। कैसे हेडिंग बना रहे थे हम? इस रूप से बना रहे थे ना, तो यहां पर इस रूप से ही हेडिंग डाल। तीसरे नंबर पर है यूरिकोटैलिक। देखो यूरिकोटैलिक है, नाम से पता, यूरिक अमल, यूरिकोटैलिक जीव, जितने भी जीव है यूरिक अमल छोड़ेंगे, यूरिक अमल छोड़ने वाले जितने भी पक्षी है वो यूरिक अमल छोड़ते हैं, यूरिकोटैलिक बोले जाते हैं। सरीसर पर रेंग कर चलने वाले जो सांप वगैरह है वो भी क्या छोड़ते हैं? मुख्य रूप से हमारे यूरिक अमल छोड़ते हैं। देखो इनको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, और यूरिक अमल इतना विषाक्त नहीं होता। और कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि पक्षियों के लिए उड़ना आसान क्यों है? क्योंकि ये उत्सर्जी इनके इनके शरीर के अंदर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, और पानी की मात्रा कम है तो इसलिए इनको उड़ना बहुत ही आसान रहता है। पानी की मात्रा इन जीवों में कम होती है, और ये उत्सर्जी पदार्थ भी यूरिक अम्ल छोड़ेंगे, और उत्सर्जन में ये पानी नहीं छोड़ते हैं, पानी नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा होगा तो इनका उत्सर्जी पदार्थ है, कई में तो ऐसा होता है जो उत्सर्जी पदार्थ है और जो मल है और मूत्र है वो एक साथ में होता है, वो यूरिक अम्ल के रूप में होता है, तो इस रूप से इसको बोलते हैं यूरिक एसिड। तो हम कह सकते हैं यहां पर यूरिकोटैलिक एनिमल। ठीक है, वे जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ,
जिनका उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड। यूरिक अम्ल होता है, वे उत्सर्जी वे होता है, वे यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यह सबसे कम, यह सबसे कम विषाक्त, सबसे कम विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ है। किससे कम है? तो पहले नंबर पर तो कौन है? अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है यूरिया। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? यूरिक अम्ल। ठीक है, ठीक है। और तो इसके बारे में कुछ नहीं जानना। इसके उदाहरण जानने हमें, एक तो पक्षी, पक्षी बर्ड्स, और एक सरीसृप। सरीसृप कौन से होते हैं? रेप्टाइल। रेप्टाइल कौन से होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूरिकोटेलिक जीव। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करें, और इसमें ये जरूर जान लेना कि इसमें पानी की कम मात्रा होती है। ये इसे यूरिक अम्ल को यहां नोट करके लिख देता हूं, अगले पेज में ही शुरू कर देंगे अगला टॉपिक। इसे यूरिक अम्ल को लिख देता हूं, यूरिक अम्ल को पानी की, यूरिक एसिड को पानी की कम आवश्यकता होती है, पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ जीवों के उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, कुछ जीवों के उत्सर्जी पदार्थ में हम देखें भाई, जैसे एक कोशिकीय जीव है, उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी अंग, जो जैसे एक कोशिकीय जीव है उसका उत्सर्जी अंग कौन सा है? पेपर में ऐसे पूछ ले, त्वचा उसका स्किन है। पेपर में ये पूछ ले कि मोलस्का है, जो मोलस्का जैसे जिसमें हम जब जो गोंगा वगैरह है, मोस्टली है गोंगा वगैरह लेते हैं मोलस्का के अंदर, तो उसमें मूत्र अंग होता है। उसमें क्या होता है? मूत्र अंग। जैसे कशेरुक जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसके अंदर, उनके अंदर क्या होता है उत्सर्जी? उसके अंदर जैसे मानव है, मानव वो रीढ़ की हड्डी वाला जीव है, तो इसके अंदर क्या होता है? किडनी होती है मुख्य उत्सर्जी अंग। ठीक है, केंचुआ है, केंचुआ का पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंचुआ में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? क्लोरोगेमन, जो क्लोरोगेगन कोशिका होती है इसके अंदर, क्लोरोगेगन, क्लोरोगेगन कोशिका के से ही है उत्सर्जी, जितना भी मटेरियल है वो उत्सर्जी है, वो बाहर निकालता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, ये पूछ रहे कि प्रोन झींगा के अंदर क्या होता है उत्सर्जी अंग? तो उसके अंदर हरित ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है? हरित ग्रंथियां। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हरित ग्लैंड होती है। तो जीवों के उत्सर्जी अंग लिखेंगे हम, जीवों के उत्सर्जी अंग। जीवों के उत्सर्जी अंग में हम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल्स, पहले नंबर पर एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से हैं जिसके अंदर एक कोशिका होती है? एक कोशिकीय जीव ऐसे कौन से होते हैं जिसमें एक कोशिका होती है? जैसे हम बात करते हैं हाइड्रा की। ठीक है, हाइड्रा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर एनिमल। जैसे हम बात करते हैं, कई बार आप देखे होंगे कि हम बोलते हैं कि हाइड्रा है, और जैसे हम ये बोलते हैं जितने भी अपने हाइड्रा के अलावा एक और आता है जो अक्सर कुटपाद होते हैं उसके अंदर, वो भी हमारा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, अमीबा।
ठीक है, अमीबा में कुटपाद होते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा था कि अमीबा क्या कौन सा जीव यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं यूनिसेलुलर, और एक कोशिका जीव के अंदर है, मैंने बताया आपको क्या रहता है, उत्सर्जी अंग त्वचा स्किन। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने एक और कहा था आपको कशेरुकू, कशेरुकी जीव कौन से होते हैं जो वर्टिबल कॉलम होती है, जिसमें वर्टी ब्रेट बोल देते हैं इसको, वर्टिब्रेट एनिमल्स, तो इसके अंदर क्या होगा विरक, विरक मीन्स क्या किडनी, ठीक है किडनी, इंग्लिश में भी किडनी बोलते हैं इसको, स्किन बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, मैंने आपको प्रोन झींगा की बात की, इंग्लिश में प्रोन बोलते हैं इसको, और झींगा है एक प्रकार से, झींगा मछली की बात नहीं है, झींगा है वो प्रोन होता है, वो अलग है, झींगा झींगा मछली अलग है, प्रोन अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोन है, कई बार देखा हो आपने जो चाइना के अंदर है, जैसे अपनी वो खाते हैं शाही उसी, या वो पतले मैगी टाइप से वो खाते हैं, तो इसी टाइप के प्रॉन बनते हैं, लोग है उसको खा लेते हैं, कई होते हैं जबरदस्त लोग तो मिल जाते हैं दुनिया में। तो प्रॉन झींगा के अंदर, प्रॉन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, और झींगा वे सभी के अंदर क्या होती है, हरित ग्रंथि होती है, तो हरित ग्रंथि निकाल ली जाती है, कभी ये सोचो कि भी उसको भी खा जाते हैं, हरित ग्रंथि, ग्रंथि मीन्स क्या है ग्लैंड। ठीक है, तो फिर मैंने एक और बताया था आपको, जो सबसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केंचुआ का, केंचुआ अर्थवर्म है, अर्थवर्म केंचुआ, अर्थवर्म अर्थ का कीड़ा, अर्थवर्म किसानों का मित्र, ठीक है अर्थवर्म। तो केंचुए में मैंने बताया था क्लोरोगेगन कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोगेगन कोशिका, यदि कोई थोड़ा सा सही पेपर सेटर होगा और उत्सर्जन से पूछेगा, या तो उत्सर्जन की बीमारियां, या उत्सर्जन का मुख्य अंग, या उत्सर्जन की इकाई, ये पूछा जाता है, तो क्लोरोगेगन है, ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोगेगन तो ये किसकी किसकी उत्सर्जी अंग है। ठीक है, ये केंचुआ का क्लोरो गेगन, सेल। फिर हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव, कशेरुकी प्रोन हो गया, केंचुआ हो गया, तो हम देखते हैं जितने भी हमारे जो मोलस्का वाले होते हैं उनके अंदर अंग, उनके अंदर मूत्र अंग होता है, मोलस्का है जितना, जितने भी हमारे मोलस्का कौन सा, मैंने बता दो, जो शंख टाइप से होते हैं ना अपने समुद्र में पाए जाते हैं, तो वो मोलस्का वाले बोले जाते हैं। गूगल पे आप मोलस्का लिख देना, बस मैंने इंग्लिश में लिख दिया तो उसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, शंख टाइप से, शीप टाइप से, वो मोलस्का में बोले जाते हैं। ठीक है, तो मोलस्का में मैंने बताया मूत्रंग होता है, मूत्रंग। ठीक है, ये थे हमारे जीवों के उत्सर्जी अंग, ये आप लिख दो। तो हम देखते हैं जो आगे आगे का पोर्शन देख लेते हैं हम, तो देखो ये थे हमारे उत्सर्जी अंग। अब मानव की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानव का उत्सर्जी अंग है वो किडनी होती है, क्या होती है किडनी। ठीक है,
किडनी होती है मानव का उत्सर्जी अंग। देखो देखेंगे हम मानव के बारे में। मानव का उत्सर्जी अंग है किडनी है, ठीक है। किडनी है यह हम देखें तो लगभग है 150 से 170 ग्राम की होती है, और इसका जो साइज होता है वह ऐसे रहती है कि 12 12 की लंबाई रहती है 12 सेंटीमीटर की, और 6 की चौड़ाई रहती है, और 3 की मोटाई रहती है। जो मोटाई है वो 3 की रहती है, ठीक है। किडनी है, किडनी जिसको हम क्या बोलते हैं विरक, क्या बोलते हैं विरक है? ये मानव में एक जोड़ी होती है, कितनी होती है एक जोड़ी, इसको गुर्दे भी बोलते हैं। गुर्दे मानव में कितने होते हैं एक जोड़ी, मानव में कितने होते हैं एक जोड़ी, मानव में एक जोड़ी, मानव में एक जोड़ी है, मैंने बताया पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कितनी भार क्या होता है इसका, भार होता है 150 से 70 ग्राम, 150 से 170 ग्राम। और क्या चीज है, माप क्या बताया, मेजरमेंट क्या बताई मैंने, 12 गुणा में 6 गुणा में 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मोटा मोटाई है, ऊंचाई मत लिख लेना, ठीक है, ऊंचाई मत सोच लेना। 6 सेंटीमीटर है ये क्या है हमारी चौड़ाई है, और 12 सेंटीमीटर है ये क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई है। लंबाई का मतलब यहां पर ये ऊंचाई भी सोच सकते हो आप, ठीक, आपकी मर्जी है क्या सोचो, ठीक है। और ये क्या है चौड़ाई है, ये इसका माप है। कहां स्थित होती है ये डायग्राम है, कहां स्थित होती है इसलिए लेकर आया हूं, कभी ये सोचो किडनी दिखाने के लिए लेके आओ, नहीं, किडनी आपने देखी हुई है, पता है आपको, बचपन में 9वीं क्लास से 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से आप देखते आए होंगे ये स्ट्रक्चर। तो यह है मुख्य रूप से हम देखे हैं, जो अपने कशेरुकू है अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर होती है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी उसके दोनों ओर होते हैं, कशेरुकू कॉलम है, कशेरुकू हड्डी है जो रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम उसके दोनों ओर होती है, ठीक है। और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उधर गुहा के पृष्ठ भाग पर होती है, उधर गुहा है जो, उधर गुहा देखो एब्डोमिनल कैविटी इसको क्या बोलते हैं उधर गुहा, तो उधर गुहा के पृष्ठ भाग पर होती है, उधर गुहा के पृष्ठ भाग पर, उधर गुहा के पृष्ठ भाग पर। ठीक है, जो अपना जो पेट जिसको स्टोमेक जहां पर है उससे जो नीचे का पोर्शन है ये उधर गुहा बोला जाता है, उधर गुहा के बिल्कुल पृष्ठ भाग पर है यहां पर, ठीक है, इसके पृष्ठ भाग पर, उधर गुहा के पृष्ठ भाग, उधर गुहा मीन्स क्या है एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुहा के पृष्ठ भाग पर। और क्या चीज है हमने जो देखनी है इसके बारे में, मैंने बताया था आपको यह कहां होती है हमारी मुख्य रूप से, बस ये ध्यान रखना है आपने, यह हम हमारे कशेरुकु हड्डी है जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं उसके दोनों ओर होती है, ठीक है, कशेरुक दंड के दोनों ओर। के दोनों ओर के बोथ साइड। एक पॉइंट और इसमें अक्सर है वो पूछा जा सकता है, मानव के अंदर एक पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम झिल्ली होती है, कौन सी होती है पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली के बिल्कुल पीछे होती है मानव में, जो यहां पर कहीं पर दिया हुआ नहीं है पेरिटोनियम झिल्ली, जो देखो क्या है मैं बता देता हूं, नॉर्मली जो अपना एब्डोमिनल कैविटी होता है ना उसी के पास में, कैविटी नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो उसी के पास में एक झिल्ली होती है, उसी झिल्ली के ये बैक साइड के अंदर होता है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, क्या बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है। तो लिख सकते हैं
पेरिटोनियम झिल्ली के पीछे की ओर? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, के पीछे की ओर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है कि कहां स्थित, सॉरी इसके अंदर है, इसकी इकाई कौन सी होती है और क्या काम करती है मुख्य रूप से। अगला हेडिंग हम जो जानेंगे वो है इसका मुख्य रूप से हम देखें तो ये क्या काम करती है। देखो इसमें मुख्य रूप से या हम कहें मानो का यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन मानो का यही है अंग है जो रक्त को छानने का काम करता है, जो रक्त को छानने का, टू प्यूरिफाई द ब्लड। ठीक है, रक्त को शुद्ध कहां किया जाता है, यहीं पर रक्त को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके बाद में इसकी इकाई कौन सी है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी इकाई क्या है, विरक्त की इकाई क्या है, विरक्त की सबसे छोटी इकाई क्या है, यह भी पूछ लिया जाता है। विरक्त की इकाई यूनिट कौन सी है। तो कई बार पेपरों में हिंदी का शुद्ध रूप कर लिया जाता है, बिल्कुल विरकाणु किसकी इकाई है, तो विरकाणु को ही हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो देखो विरकाणु है, इसी के अंदर हम देखते हैं पाई जाती है, छोटी छोटी प्याली नुमा संरचना होती है, और हम देखते हैं जो किडनी है इसमें संख्या तो हमने बात कर ली, इसका रंग पूछ ले भाई, इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग है वो लाल गुलाबी होता है। कैसा होता है, लाल गुलाबी होता है। और किडनी के जो बाहरी भाग होते हैं, बाहरी भाग को हम कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कैप्सूल। जो सॉरी बाहरी परत होती है, परत को बोलते हैं कैप्सूल, और बाहरी भाग को बोलते हैं कोर्टेक्स, और किडनी का आंतरिक भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। डायग्राम है मैं दिखा रखा है ना शायद, इसमें डायग्राम में नहीं दिखा रखा है, यहां देखते हैं इस डायग्राम मिल जाए तो। मेडुला और मिलेगा, मेडुला मिलना चाहिए क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो किडनी से पूछा जाता है पेपरों में ये है, इसको भी साथ साथ में हम देख लेते हैं यहां से। देखो मैंने बताया था जो आंतरिक भाग है और जो बाहरी भाग है, इनके बारे में तो बाद में देखेंगे, कैपिलरी वगैरह, पिरामिड के बारे में भी बाद में देखेंगे, रेनल पिरामिड, थोड़ा आप है ना ये नाम है, जब मैं आगे लूंगा पिरामिड का नाम लूंगा, रेनल पेल्विस का नाम लूंगा, मेडुला, यूरेटर मूत्राशय, इनका मैं नाम लूंगा, रेनल वेन हो गया, रेनल आर्टरी हो गया, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो हम नॉर्मली वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, देखो जो किडनी है, यूरेटर है, जो यूरेटर है ये मूत्र वाहिनी होती है, ये क्या होती है, मूत्र वाहिनी। दो प्रकार की मूत्र वाहिनी होती है, एक तो ये मूत्र वाहिनी है, यूरेटर बोलते हैं, ये तो हमारी इस रूप से हम जान सकते हैं भाई ये दाई मूत्र वाहिनी है, आप अपने अकॉर्डिंग है वो कुछ भी मान सकते, दाई मूत्र वाहिनी है।
और ये बाई मूत्र वाहिनी है, ये बाई मूत्र वाहिनी है, बाई मूत्र वाहिनी है, और ये मूत्राशय है ब्लेडर। ये क्या है? मूत्राशय। मूत्राशय में कितना मूत्र इकट्ठा हो सकता है? लगभग 700 से 800 ml इकट्ठा हो सकता है। 700 से 800 ml है मूत्र इकट्ठा हो सकता है, 700 से 800 ml। ठीक है। इन्फेरियर वेना कैवा, डिस्केंडिंग एरोटा। देखो, राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी हो गई। तो नॉर्मली देखो, ये जो जैसे आप ये आप देखोगे पाइप सा, ये पाइप सा होता है जो, ये संग्राहक नलिका होती है, कलेक्शन डक्ट होती है। ये भी बता देता हूँ, कलेक्शन डक्ट, इसी में सारा फिर कलेक्शन आता है, मैटर है ना, जो सारा कलेक्शन डक्ट में आता है, ये कलेक्ट करता है, सारे पेपर इकट्ठे करता है ना, जैसे एक जगह पर कलेक्शन डक्ट है, यहाँ सारा मैटर इकट्ठा, संग्राहक नलिका। इतना है, आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, ना ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा इतना, कि संग्राहक नलिका है। डीसीटी भी होता है, पीसीटी भी होता है, ये सारे चीजें हैं, वो भी आपके पीसीटी डीसीटी है, वो नहीं पूछे जाते। पीसीटी होता है समीप्रस्थ कुंडली नलिका होती है, एक डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स होती है, दूरस्थ कुंडली नलिका बोला जाता है, हेनले का लूप है, वो थोड़ा हम देख ले, यू का आकार का होता है, ये छोटी छोटी चीजें हमने देखनी है बस इसमें। ठीक है, तो एक बार वैसे ये ध्यान रखो कि बाएं मूत्र वाहिनी, दाएं मूत्र वाहिनी। और एक पॉइंट और मैं जो बताना चाह रहा था, यहां पर छोटी छोटी प्याली नुमा संरचना होती है, छोटी छोटी क्या होती है? प्याली नुमा संरचना होती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोन बोलते हैं। तो नेफ्रोन में ही रक्त का छनने का कार्य जो सारा जो होता है वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, प्याली नुमा संरचना, इसको बोमन संपुट भी बोल देते हैं, बोमन कैप्सूल भी बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्या बोल देते हैं? बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। बोमेन संपुट, हिंदी में क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। एक हेनले का लूप होता है, इसमें डायग्राम नहीं है, हेनले के लूप में यू के आकार का एक लूप होता है, जो मु, मु, जो मुख्य रूप से है, जो जुड़ा होता है किडनी से, हेनले का लूप है। ठीक है, वो भी थोड़ा पूछ रहे कि हेनले का लूप है किसका अंग है, वैसे ऐसे पूछा जा सकता है, और ज्यादा डीपली नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था, जो आपको डायग्राम दिखाना चाह रहा था, इसमें बस यही बताना चाह रहा था, जो किडनी की बाह्य परत है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। किडनी की जो बाह्य परत है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। और जो कैप्सूल के बिल्कुल बाहर का भाग है वो कोटेक्स कहलाता है, कोटेक्स का है वो बाहर का भाग कहलाता है। ये जो परत है ना, ये देखो इस पर, ये परत, ये कैप्सूल कहलाती है। तो मैं लिख दूं क्या यहीं पर? यहीं पर लिख देता हूं, या आगे लिख देंगे, कोई बात नहीं, आगे लिख लेते हैं। देखो, किडनी का, किडनी की बाह्य परत, की बाह्य परत कैप्सूल कहलाती है, कैप्सूल कहलाती है। कैप्सूल कहलाती है। और बाह्य भाग, ये तो बाह्य परत है, और बाह्य भाग, बाह्य भाग कोर्टेक्स कहलाता है। और आंतरिक भाग पूछा जाए, मैंने बताया था आपको मेडुला के बारे में, किडनी का आंतरिक भाग, भाग मध्यांश, मध्यांश मीन्स क्या है? मेडुला कहलाता है। मेडुला कहलाता है। ठीक है, तो ये था किडनी, क्या है? किडनी थी ये। ठीक है,
तो किडनी के बारे में और क्या पूछा जा सकता है, किडनी के कार्य पूछे जा सकते हैं। किडनी के कार्य हम देखेंगे, किडनी के कार्य में किडनी क्या, किडनी कोई हार्मोन भी छोड़ सकती है क्या? किडनी के कार्य में हम देखें तो क्या किडनी कोई हार्मोन भी छोड़ सकती है क्या? हाँ, किडनी हार्मोन भी छोड़ सकती है। और आपको सभी को यह पता है कि किडनी जो होती है उसी के पास में अधिवृक्क ग्रंथि की भी हम बात की थी, जो एड्रेनल ग्रंथि है, तो हमने देखा था, उसको पढ़ा था कि यह कहाँ स्थित होती है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित होती है, तो उसके बारे में भी हमने जाना था। ठीक है, तो इससे हार्मोन भी निकल सकते हैं और मुख्य रूप से रेनिन हार्मोन है इससे निकलता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्य रूप से आप देखो किडनी का काम है शरीर से पानी को बाहर निकालना और पानी के साथ में यूरिया आदि का निर्माण करना। तो हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जल तथा लवण का संतुलन बनाने का काम किसका है, इसी का है। जल तथा लवण की बात की जाए तो उसका मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो ये किडनी ही करती है। ठीक है, जल तथा लवण का संतुलन बनाना तो वो कौन करेगा, यही करेगी। जितना लवण बाहर निकलेगा, यूरिया बाहर निकलेगा, जल का संतुलन बनाएगी तो यही बनाएगी, जल तथा लवण का संतुलन बनाना, का संतुलन बनाना। ठीक है, और क्या है जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और है हम देखते हैं जो कई बार, तो यह मुख्य रूप से ये करती है जो काम, जो जल है, जो जल की हानि ना हो तो उसमें भी एडीएच हार्मोन आदि को उपयोग करती है। यह जल की हानि को बचाती है, हार्मोनों का उपयोग करती है। और मैंने बताया था आपको रेनिन हार्मोन भी इसी से निकलता है, लिख देता हूं मैं, इससे रेनिन हार्मोन निकलता है। और रेनिन किसके पाचन करने का मदद करता है, आपने ध्यान होगा दूध वगैरह के पाचन में मदद करता है, इससे रेनिन हार्मोन निकलता है। लेकिन और क्या काम करता है रेनिन, कुछ और भी काम करता है क्या? हार्मोन निकलता है, देखो हम बात करते हैं जब रेनिन हार्मोन की, अकेला ये नहीं है कि रेनिन हार्मोन है वो किडनी से बाहर निकले तो बस केवल ही केवल है दूध को पाचन करने का काम करेगा, या दूध के अंदर है कुछ एक्टिविटी करनी हो, किसी को अन्य चीजों में बदलना हो तो इस रूप से ये मदद करेगा। तो दूध में मुख्य रूप से तो आप कैसीन है वो काम करता है, रेनिन है वो प्रोटीन वगैरह पर मदद करता है। तो हम देखते हैं रेनिन हार्मोन है, एक मानव के अंदर एक एजियोटेशन तंत्र होता है, मानव के अंदर क्या होता है, एक एजियोटेशन तंत्र पर ये काम करता है रेनिन, एजियोटेशन तंत्र पर। और एजियोटेशन तंत्र है वो क्या काम करता है, ये तंत्र हमारे रक्त की वाहिनियां होती है, जो रक्त की वाहिनियां है उसके अंदर रक्त दाब को संतुलित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो रेनिन हार्मोन निकलता है तो वह क्या काम करेगा, जो एंजियोटेशन तंत्र है उसको सक्रिय करता है। ठीक है, इससे रेनिन हार्मोन निकलता है, जो यह हार्मोन एंजियोटेशन सिस्टम को सक्रिय करता है। सक्रिय करता है जिससे रक्त वाहिनियों का दाब संतुलित होता है, ब्लड वेसल्स का दाब क्या होगा, संतुलित होगा, का दाब बनता है।
ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्या इसके और अन्य कार्य है क्या। एक दो छोटा मोटा और कार्य है जो कभी परीक्षा में है, वो मुश्किल से चांस है, पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं एक और इसके अंदर एक तंत्र और होता है इसे एक और हार्मोन निकलता है जो एरिथ्रोथायरिन हार्मोन निकलता है, तो हम देखें उससे क्वेश्चन है बहुत ही कम रहता है कि मुश्किल से कभी पूछ ले। और मेनली हम देखें वो हार्मोन क्या करता है, हार्मोन आरबीसी के निर्माण में प्रेरित करता है, वो बस वो बहुत ही कम चांस है। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है नेफ्रॉन के भाग वो हम देख लेते हैं। इसको तो बस इतना ही रहने दे, वो पूछा नहीं जाएगा, इतना ही रहने दे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इसके भाग, किडनी के भाग किडनी के भाग में सबसे पहले हम जो जानेंगे वो आपको जानना है एक भाग होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं हम मेलपिथिकाय। क्या बोलते हैं? मेलपिथिकाय। तो बस आपके पेपर के हिसाब से बस इतना ध्यान रखना है कि इसी के अंदर ही मेलपिथिकाय है तो इसी का भाग है। ठीक है, मेलपिघी बोल देते हैं शुद्ध हिंदी में, मेलपिघी काय। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसको इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान कर लो आप, मेलपिघी बॉडी। अब मेलपिघी का भी एक और ध्यान कर लो, इसके भी दो भाग हैं, ये भी लिखी लो, इसके भी दो भाग हैं। इसके दो भाग है जो वो है, एक तो मेनली रूप से जो अक्सर पूछ लिया जाए भाई ये किस अंग के अंदर पाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो बोमेंट संपुट है मैंने बताया था आपको, वो इसी का भाग है। ए पॉइंट डाल लेते हैं, बोमेंट संपुट। बोमेन इसको संपुट को हम बोलते हैं, मुख्य रूप से कैप्सूल भी बोल सकते हैं, और मुख्य रूप से हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से प्याले नुमा संरचना है, कैप्सूल ही लिख लो आप एक बार, तो कैप्सूल ही मेनली जो आप देखोगे कहीं पर भी गूगल वगैरह पर कैप्सूल ही मिलेगा, संपुट को कैप्सूल ही बोलेंगे। बी नंबर पर हम देखें इसका एक भाग और है जो अक्सर है जाना जाता है ग्लोमेरस के रूप से, किसमें जाना जाता है? ग्लोमेरस के बारे में हम देखें तो ये रक्त कोशिकाओं के जाल को हम क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। बहुत ही कम पूछा जाता है मेरुलस, एक तो ये भाग होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पीसीटी की, जो मैंने बताया था वो भी इसी का भाग होता है। पीसीटी नहीं पूछा जाता, ये भी आपके पीसीटी है, मैं जनरली बता रहा हूं जो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ये पीसीटी को हम बोलते हैं प्रोक्सीमल को बोलते हैं दूरस्थ, और ट्यूबल्स, और एक इसका एक और हम बोलते हैं डीसीटी, वो भी इसी का भाग होता है। ये भी नहीं पूछा जाता पेपर में, डीसीटी भी नहीं पूछा जाता, डीसीटी है ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। डेसल बोलते हैं, डेसल।
कॉन्यूलेटेड ट्यूबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर सीधे चलने के बाद में चौथे नंबर में जो वो पूछा जा सकता है, हेनले का लूप, हेनले का लूप, ठीक है। यह है यू के आकार का होता है, यह है यू के आकार का होता है, यू के आकार का होता है। देखो जो सबसे ज्यादा बार पूछा जा सकता है और ज्यादा बार पूछा गया है और नहीं पूछे जाते, एक तो हेनले का लूप है और एक बोमन सेम्पुट, यही पूछे जा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। हेनले के लूप में केवल इतना जानना है कि यू का आकार का है और कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में बस एक ही जानेंगे हम, जो बोमन सेम्पुट है, जो बोमन सेम्पुट है प्याली नुमा संरचना होती है और इसका मुख्य रूप है प्याली नुमा संरचना होगी, इस रूप से एक संरचना होगी बोमन सेम्पुट की, और इसके अंदर रक्त आता है और रक्त को छानने का कार्य करता है। और हम देखते हैं प्याली नुमा संरचना है मुख्य रूप से एक विरक्त के अंदर, एक विरक्त के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन, एक विरक्त में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन। तो हम टोटल हम देखें तो कितने हो गए? 20 लाख हो गए। तो एक विरक्त में 10 लाख वृकाणु होते हैं जो मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से रक्त को छानने का कार्य ही करते हैं, जो मुख्य रूप से रक्त को छानने का काम करते हैं, रक्त को छानने का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं, का कार्य करते हैं। इन्हीं में जो वृकाणु के अंदर है, जो वृक में जो नेफ्रॉन है, इन्हीं में क्या होता है? बोमेन सेम्पुट होता है, जो इन्हीं में बोमेन सेम्पुट होता है, बोमेन सेम्पुट, जो बोमेन सेम्पुट है, सेम्पुट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। जो बोमेन कैप्सूल है यही जो अंदर का जो इसका डिजाइन बनाता है, अंदर का जो इसके अंदर जो बोमेन कैप्सूल है इसी के अंदर है, संरचना देता है इसको, इन्हें इन्हें बोमेन सेम्पुट, इसमें लिखा आएगा, सॉरी, इसमें इसमें बोमेन सेम्पुट होता है, सेम्पुट होता है जो प्याली नुमा संरचना होती है, जो प्याली नुमा संरचना होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्याली नुमा जो कप होता है अपना, तो उसी की तरह की संरचना होती है, प्याली नुमा संरचना के रूप में होता है, संरचना के रूप में होता है। ठीक है, एक बार ये लिख दो, तो हम देखते हैं जो बोमेन सेम्पुट होता है, और मैंने बताया कि उस बोमेन सेम्पुट है वो प्याली नुमा संरचना होती है, उसी के अंदर है जो मुख्य रूप से ग्लोमेरुलस जो कोशिका होती है उसी के अंदर ये दशा रहेगा, ग्लोमेरुलस के अंदर है वो दशा रहता है, प्याली नुमा जो संरचना है वो किसमें दशा रहता है? ग्लोमेरुलस में दशा रहता है। और ग्लोमेरुलस में जो दशा रहेगा तो इसमें फिर कुछ विशेष कोशिका पाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं पदाणु, पदाणु इसी में पाए जाते हैं, पोडोसाइट बोलते हैं पदाणु। और यह क्या करते हैं? यह रक्त की कोशिकाओं के साथ मिलकर इतनी महीन संरचना बना लेगी, इतनी महीन संरचना बना लेगी जिससे केवल ही केवल है हम देखते हैं मुख्य रूप से जो अशुद्धियां है उनको बाहर रूप से वह छांट देगी और मूत्र के रूप से बाहर निकाल देगी और बिल्कुल शुद्ध रक्त को बाहर, शुद्ध रक्त को है वो हमारा फेफड़ों तक पहुंचा देगी और फेफड़े उसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे। इस तरह से पदाणु का मुख्य रूप से कार्य होता है। और पदाणु है जो पदाणु पोडोसाइट जिसको बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है कि पोडोसाइट है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो पोडोसाइट बोमोस बोमन संपुट के अंदर ही पाया जाता है, बोमन कैप्सूल के अंदर ही पाया जाता है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, पदाणु के लिए मैंने ये इसको बताया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो
बोमेंट संपुट है किसमें दशा रहता है, ग्लोमेरुलस में दशा रहता है, ठीक है मैं लिख देता हूं बोमेंट संपुट है, बोमेन संपुट संपुट बोमेन कैप्सूल कैप्सूल ग्लोमेरुलस में दशा रहता है, में दशा रहता है रहता है यहीं पर पदाणु कोशिकाएं पोडोसाइट सेल बोलते हैं, कोशिकाएं पोडोसाइट सेल रक्त की कोशिकाओं के साथ मिलकर के साथ मिलकर मिलकर एक महीन संरचना महीन संरचना भी कौन सी होगी उसको बोलेंगे हम ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन, महीन ग्लोमेरुलस झिल्ली बनाती है जिससे यह इतनी महीन होती है महीन का मतलब है बिल्कुल छोटे छोटे उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं और जिसकी वजह से रक्त है बहुत ही बेहतर रूप से छाना जाता है, ठीक है बनाती है यह इतनी महीन यह महीन होने के कारण ऐसा लिख देता हूं मैं यह महीन होने के कारण रक्त के शुद्धिकरण में मदद करती है, रक्त के शुद्धिकरण होने में मदद करती है। ठीक है आज हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, इसके दो मैं बनाना चाहता था भी दो भागों में कर लूं, वैसे तो एक भाग में ये पूरा कंप्लीट नहीं होता और इसलिए मैंने तो आपको थोड़ा सा ये पीसीटी और डीसीटी है और कुछ छोटे छोटे पॉइंट है इसको बता दिए मैंने। वैसे इसमें हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हेनले का लूप है और हमारा बोमेंट संपुट है। वैसे मैंने एक और आपको बताया था जो हमारा नेफ्रोन का ही हिस्सा होता है तो वह मुख्य रूप से जिसको मैं संग्राहक नलिका बोला था, संग्राहक नलिका है वो इसी का ही भाग होती है, संग्राहक नलिका कोलेक्शन डक्ट मैंने बोला था ना, कोलेक्शन डक्ट जिसमें सारा मेटेरियल इकट्ठा हुआ और वो सारा बाहर निकल जाता है फिर कोलेक्शन डक्ट बोलते हैं। ठीक है अब हम एक बार थोड़ा सा दो मिनट है इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने जाना था किडनी के बारे में और किडनी में हमने देखा था यहां पर स्ट्रक्चर है उल्टा हो गया क्या सब कुछ, यहां पर देखो जीवों के उत्सर्जी अंग, एक तो ये देखा था हमने, इससे पहले ये देखा था हमने उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलेंगे तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और हमने तीन प्रकार के जाने थे और उसमें तीन प्रकार में हमने जाना अमोनियोटैलिक और एक यूरियोटैलिक और एक हमने जाना यूरिकोटैलिक। तो हम देखते हैं अमोनियोटैलिक में अमोनिया और यूरियोटैलिक में यूरिया और यूरिकोटैलिक में क्या यूरिक अम्ल बाहर निकलता है और यूरिक अम्ल कौन छोड़ता है, पक्षी और सरीसृप छोड़ते हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। फिर उसके बाद में हमने जाना कि विरक है वो कहां पाया जाता है, विरक में हम देखते हैं मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है और 150 से 170 ग्राम है और उदर गुहा के पृष्ठ भाग पर पाया जाता है और कशेरुक दंड के दोनों ओर पाया जाता है और पेरिटोनियम झिल्ली के पीछे की ओर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता रहा था। फिर उसके बाद में बोमेंट संपुट के बारे में मैंने बताया, यहां पर एक कोलेक्शन डक्ट है मैं बता रहा था भाई कोलेक्शन डक्ट होती है और ये कोलेक्शन डक्ट है संग्राहक नलिका जो होती है, यह पूरा जो सिस्टम इसके अंदर जो सारा
जितना विषैले पदार्थ है वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर हमने ये जाना था कि इसके अंदर है हमारा जो बाह्य भाग होता है, बाह्य भाग वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और आंतरिक भाग हमारा क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है, ठीक है। और इसके ऊपरी की ऊपरी जो परत होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये हमने जाना था। और बाएं मूत्र वाहिनी और दाएं मूत्र वाहिनी और बाएं मूत्र वाहिनी और मूत्राशय में मैंने बताया था कि 700 से 800 ml रक्त सॉरी मूत्र इकट्ठा हो सकता है यहां पर। फिर उसके बाद में हमने जाना किडनी के कुछ कार्य, किडनी के कुछ कार्य के बारे से पहले हमने देखा कि बाह्य परत क्या कैप्सूल है और आंतरिक भाग क्या मध्यांश कहलाता है। किडनी के कार्य में जल तथा लवण का संतुलन और जल की हानि को बचाना, और इससे रेनिन हार्मोन निकलता है, और यह हार्मोन मुख्य रूप से एजियोटेशिन को सक्रिय करता है, और यह सक्रिय होने से रक्त की वाहिनियों में दाब बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने जाना किडनी के भाग, किडनी के भाग की बजाय है इसको आप लिखो, किडनी के भाग की बजाय आप इसको लिखो नेफ्रॉन के भाग, वो सबसे उचित रहेगा, नेफ्रॉन के भाग। किडनी तो बड़ा अंग आ जाता है बिल्कुल, तो नेफ्रॉन के भाग लिखो। तो नेफ्रॉन में मेलपिगी काय होता है, मेलपिगी काय के दो भाग होते हैं, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है वो जानने की कोई जरूरत नहीं, बोमेन संपुट देखना है। और ये प्याली नुमा संरचना होती है बोमेन संपुट, और एनले का लूप है ये यू के आकार की संरचना होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने जाना कि लास्ट पॉइंट जो हमारा बोमेन संपुट के बारे में था, बोमेन संपुट है ये ग्लोमेरुलस के अंदर दशा रहता है, ग्लोमेरुलस है उसके अंदर दशा रहता है, और यहीं पर पदाणु कोशिकाएं पाई जाती है। पदाणु कोशिकाओं के आप बोलते हैं पोडोसाइट सेल, और यह रक्त की कोशिकाओं के साथ मिलकर एक महीन ग्लोमेरुलस झिल्ली बनाती है, और यह महीन होने के कारण ही रक्त के शुद्धिकरण में मदद करती है। और हमने एक पांचवा पॉइंट जाना था संग्राहक नलिका कोलेक्शन डक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसके मुख्य रूप से पांच भाग है। फिर हम कल करेंगे जो अन्य उत्सर्जी अंग है, जैसे हमारा लीवर है, लीवर क्या एनालिथियम चक्कर के और निथिलिन चक्कर के माध्यम से यह है यूरिया का निर्माण करता है। फिर हम जो त्वचा के बारे में जानेंगे, यह भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है। तो अन्य उत्सर्जी अंगों के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे कि एडीएच वगैरह का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर हम ये जानेंगे कि एक जो आजकल पेपरों में पूछा जा रहा है ग्लाइकोयूरिया बीमारी है, यूरेमिया बीमारी है, पोलीयूरेमिया बीमारी है, पोलीयूरिया बीमारी है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे मूत्र के बारे में, मूत्र का जो हल्का पीला रंग है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, यूरोक्रोम होता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है, वो चीज इसके अंदर हमने जाननी है। और एक हीमोडायलिसिस जाननी है, वो अगली क्लास में हम जानेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही, और बाकी करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।